अथॉरिटी की टीम्स हमारे साथ मौजूद हैं। इसमें कोई ओरिजिनल चीजें नहीं है, दूध इसके अंदर कोई भी नहीं है, दूध नहीं, ये सिर्फ क्रीम डलती है बस। ये कवर करके और भाग चुके हैं, सहेलियों को हाथ लगाया था, वो रंग मेरे हाथ पे लग गया है। हमें सारी चीजें डिटरमाइन करनी है कि ये कहाँ प्रोड्यूस हो रही है, ये सबको बंद करवाया जाए। बहुत खतरनाक है, इससे कैंसर भी हो रहा है। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। बदकिस्मती से ये जुमला जैसे हर पाकिस्तानी की जिंदगी का हिस्सा बन गया है, और वो जुमला है यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, और इस आवे के आवे में मजीद बिगाड़ हम सब अपने अपने हिस्सों की गफलतों, कोताहियों और हिमाकतों से डालते चले जा रहे हैं। अभी एक बुराई खत्म नहीं हुई कि एक नया फितना सर उठाए तैयार खड़ा होता है, जिसकी मजबूत बुनियादों में लालच का वो बुनियादी अंसर मौजूद होता है जिसे रातों रात अमीर होने का नुस्खा माना जाता है, और इसमें किसी का क्या बल्कि पूरी कौम का नुकसान क्यों ना हो जाए, आने वाली नस्लें अपने पैदा होने से पहले ही मौत के दिहाने क्यों ना पहुँच जाए, रातों रात अमीर हो जाने की ख्वाहिश इन सब बातों पर गालिब आ जाती है। एक ऐसा ही माफिया आजकल कराची शहर में सर उठा रहा है। दूध के शरबत कहीं गुलाबी और कहीं पिस्तई रंग में फरोख्त के लिए निहायत ही कम कीमत पर मौजूद है। जी हाँ, सिर्फ 20 रुपए फी गिलास। इस उफ्रियत को हम माफिया क्यों कह रहे हैं, अगले चंद मिनटों में आप नाजरीन इसकी वजह जान सकेंगे, लेकिन इब्तिदा ही से हमें इसके मुनज्जम माफिया के साथ ताल्लुकात का यकीन इसलिए भी हुआ क्योंकि एक जैसे ठेले, एक जैसी टंकियां, एक ही जैसे बेचने वाले, एक ही जैसे पीने वाले और एक ही तरह के इलाकों में इस शरबत नुमा शेह की फरोख्त। चंद ही हफ्तों में इस माफिया ने सैकड़ों की तादाद में शहर कराची के चंद मखसूस इलाकों को अपना हदफ बना लिया था, और हर चंद कदम के फासले पर दूध के शरबत के नाम निहाद ठेले न्यू कराची, नॉर्थ कराची, सोहराब गोट, वाटर पंप और बफर जोन के इलाके में फैल चुके थे। हम बार बार इस उफियत को नाम निहाद दूध का शरबत क्यों कह रहे हैं, तो आप नाजरीन खुद अंदाजा लगाएं सिर्फ इस छोटी सी बात से कि क्या शहर कराची में किसी भी जगह 80 रुपए लीटर दूध मयसर है। अगर ऐसा नहीं है तो कैसे मुमकिन हो गया कि 20 रुपए का पाव भर दूध का शरबत मयसर आ जाए। जहाँ 20 रुपए का एक पाव दूध मयसर न हो, वहाँ इस शरबत को पीने वाले क्या आंखों देखी मक्खी नहीं निकल रहे। ये वो सवाल है जिसका जवाब उन अवाम को देना है जो एक तरफ तो रोजाना इस माफिया की जेबों में लाखों रुपए डाल रहे हैं और दूसरी तरफ अपने आप को दिल, मेदे, जिगर और यहाँ तक के आंतों के सरतान की तरफ खुशी खुशी धकेलते चले जा रहे हैं। सवाल की टीम ग्रिफ्ट ने क्या किया, तो आज का प्रोग्राम इस नाम निहाद दूध के शरबत के माफिया और इसके कर्ता धर्ता के अंजाम को देखकर नाजरीन अंदाजा लगा सकेंगे। खौफ इस बात का था कि कहीं हमें इस मामले में सबूत इकट्ठा करते करते इतना वक्त न लग जाए कि ये माफिया काबू से बाहर हो जाए, ये बुराई बेकाबू होकर पूरे शहर को अपनी लपेट में न ले ले। टीम ग्रिफ्ट ने अपने इन्फॉर्मर्स के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन बुराई की जड़ तक पहुँचना आसान नहीं था। सो उस शख्स तक पहुँचने के लिए जो इस बुराई को आम करने का जिम्मेदार था, तरीकेकार ये अपनाया गया कि खुद इस कारोबार का हिस्सा बनने की कोशिश की गई, यानी इन ठेलों में एक और नए ठेले का इजाफे का बहाना बनाकर इस शरबत माफिया के मेन आदमी तक पहुंचा जाए। क्या नाम है सेठ का? यूसुफ सेठ। खुद ही बनाया
बना के दे खुद। इस चलते फिरते की मुलाकात में इतना तो मालूम हो जाना ही गनीमत था कि इस सारे धंधे का मरकज अलासिफ स्क्वायर सोराब गोट पर है। क्या चीजें मिलाई जाती हैं, कैसे बनता है, ये एक खुफिया राज था कि जिसके आम होते ही इस माफिया को जबरदस्त नुकसान हो जाने वाला था। इस शख्स के मुताबिक यूसुफ नामी शख्स इस माफिया का मरकजी किरदार था। अब ये नाम सही था कि नहीं, लेकिन जगह का कुछ न कुछ अंदाजा जरूर हो चुका था। अगला मरहला था सोहराब गोट के इलाके में कायम अलासिफ स्क्वायर के नजदीक इस यूसुफ नामी शख्स तक रसाई का। याद रहे कि सोहराब गोट में कायम अलासिफ स्क्वायर माजी में जराइम पेशा अफराद की सरगर्मियों का ऐलानिया मरकज रहा था और इस हद तक खतरनाक था कि पुलिस के लिए नो गो एरिया बन गया था और साथ ही साथ अवाम के लिए भी अलासिफ स्क्वायर सरहद पार का मामला समझा जाता था, जिसका सबूत आज भी इस माफिया की सरगर्मियों के हवाले से यहाँ मौजूदगी है। बहरहाल गिरफ्त टीम का खुफिया नुमाइंदा भेस बदल कर इस यूसुफ नामी शख्स की तलाश में मतलूबा जगह तक पहुँच गया। सोराबपुर के इलाके में पहुंचकर यूसुफ नामी इस शख्स से मुलाकात के लिए गिरफ्त नुमाइंदे ने एक और शरबत के ठेले वाले से पता मालूम किया तो एक तरफ इशारा कर दिया गया। ये यूसुफ सेठ किस तरह यूसुफ लेट है यूसुफ प्लाजा यूसुफ सेठ मालूम नहीं यार, ये जो शरबत यूसुफ सेठ मालूम नहीं है, जो देते हैं ना उसका नाम तो नुमाइंदा इशारा किए गई सिमत की तरफ चल पड़ा, एक ऐसे शख्स से मिलने के लिए जो बिलवास्ता कराची शहर में सैकड़ों ठेलों का मालिक था। तुम्हारे को फार्मूला भी हम बना के देते हैं। फार्मूला कितने में दोगे? फार्मूला तेरे को 10,000 रुपया हम लेगा। फार्मूला वो अलग 10,000 रुपया लेगा आपसे। बना के नहीं दिखाओगे? एक दफा बना के देगा, एक ही दफा में। कराची शहर में जिंदगी गुजारने का मतलब है कि आप दुनिया के चंद सस्ते तरीन शहरों में से एक शहर में मौजूद हैं और यहाँ खुराक से लेकर रिहाइश और जिंदगी गुजारने के लिए बुनियादी सहूलतें सस्ते दामों दस्तयाब हैं। लेकिन सस्ते के नाम पर जो खुराक इस शहर के बासियों का मुकद्दर बनी हुई है, वो खुराक शहरियों को तेजी से मौत के करीब लेकर जा रही है। इस सस्ते के नीचे छुपी है वो महंगी मौत, जो मरने से पहले महंगे इलाज की सूरत में मौजूद है। ऐसा क्या है सस्ती खुराक में? माजी में टीम गिरफ्त ने इस मौजू का भी इहाता करने की कोशिश की थी। दूध का ही मौजू ले लीजिए, कराची में नामालूम कहां कहां ये जाली दूध फरोख्त हो रहा होगा और शहरियों की सस्ती खुराक का हिस्सा बन रहा होगा। इस सिंथेटिक या मस्नूई दूध की तैयारी एक दूध तैयार करने वाले शख्स ने शनाख्त जाहिर न करने की शर्त पर बताई थी। एक मर्तबा फिर देख लीजिए, अज्जा है 10 से 12 लीटर पानी, 1 किलो दूध, 0.5 किलो वही सस्ता तेल और इसी लिहाज से एक सस्ता सा वॉशिंग पाउडर। इन तमाम चीजों के मिलाप से बनता है सस्ता दूध, जो शायद आपके महल्ले की दुकान पर भी दस्तयाब हो। जो असली है या जाली आपको आज नहीं बल्कि आज से तकरीबन 10 साल बाद जाकर मालूम होगा, क्योंकि उस वक्त तक सिंथेटिक दूध के जानलेवा अज्जा कैंसर की सूरत में जिस्म को खोखला कर चुके होंगे। इस शख्स को ढूंढना आसान नहीं था और पहले बताए गए नाम यानी यूसुफ नामी शख्स उस जगह पर शरबत का ठेला लगाए मौजूद नहीं था। काफी तगड़ों के बाद एक और नाम सामने आया और वो था रहमत सेठ। लेकिन अभी रहमत सेठ इस जगह मौजूद नहीं था, एक कारिंदा, लेकिन उस वक्त भी यही जहरीला शरबत तैयार करने में मसरूफ था। कारिंदे से इब्तदाई बात हुई तो उसने एक तरफ बैठने को कहा, जहां एक और शख्स मौजूद था जो शायद रहमत सेठ का सबसे बड़ा ग्राहक या फिर बिजनेस पार्टनर था। इस शख्स के बारे में मालूम हुआ कि उस वक्त तक उसके पास 20 ठेलों का काम चल रहा है, गोया उस शख्स के आगे कई दिहाड़ीदार मजदूर भी शामिल थे। फिल वक्त इस कारोबार को मजीद वसत देने के लिए टैंकियों की तैयारी का मसला मौजूद था। भाई जान, वो आपको सब बता देंगे, ऐसी बात नहीं है, पहले बंदे से पूछें टैंकी है या नहीं है। चलो बात को बाद में बात बनेगी, अभी दिन में टैंकी ले लिए और फार्मूला पहले ले लिए तो फिर काम खराब। चलो बहरहाल एक टैंकी की कीमत 8,000 रुपए बताई गई। भाई जान,
टैंकी तेरे को कितनी चाहिए? 10 टैंकी चाहिए। 10 टैंकी के पैसे कितने हैं ये पता है? बताओ रेट तो बताओ। 8,000 रुपए का एक टैंकी। इस कारोबार में शायद फॉर्मूले के अलावा सबसे महंगी यही टैंकी थी, जिसका महंगा होना इस कारोबार को तेजी से फैलने में रुकावट बना हुआ था। रहमत सेठ के इस बिजनेस पार्टनर की बातों से लगता था जैसे ये कराची शहर में इस कारोबार से मुंसलिक हर शख्स को जानता हो, और यही टीम ग्रिफ्ट की कामयाबी थी, क्योंकि इन लोगों की बातों से ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि यही वो मरकजी अड्डा है जहाँ से इस जहरीले शरबत को पूरे कराची में फैलाया जा रहा है। यही वो मरकजी जगह थी, इस बात का सबूत प्रोग्राम में आगे चलकर नाजरीन देख सकेंगे। बहरहाल फार्मूले की बात हुई तो अपने नाम के बरक्स रहमत सेठ अपनी तमाम तर सफाकियों के साथ इस नाम नेहाद दूध के शरबत को शहर भर में फैलाने का मंसूबा बनाए मौजूद था। तुम्हारे को फार्मूला भी हम बना के देते हैं। फार्मूला कितने में दो? फार्मूला तेरे को 10,000 रुपया हम लेगा। फार्मूला वो अलग 10,000 रुपया लेगा आपसे। एक ही दफा में ये बंदा आज जा बात यार। मैं पता क्यों ले रहा हूँ, इतनी दूर से आना मेरे लिए मुश्किल। आपको कितना काम चाहिए? अब रोज आऊंगा, यहाँ से लेकर जाऊंगा, टाइम लगेगा। आपको एक दफा समझा देंगे तो आप खुद बना लोगे। आपको मैं ये बता रहा हूँ, आपको एक ही घंटे में सिखा देंगे। यूँ 10,000 रुपए में ये शख्स फार्मूला देने को भी तैयार था। पहले बंदे से पूछे टैंकी है या नहीं है। चलो बात बाद में बात बनेगी। अभी तुमने टैंकी नहीं लिए और फार्मूला पहले ले लिए तो फिर काम खराब। इस मुलाकात के बाद टीम गिरफ्त ने सिंध फूड अथॉरिटी की डिप्टी डायरेक्टर सुमेरा हुसैन से राब्ता किया। सूरत हाल का जायजा लेने के बाद सिंध फूड अथॉरिटी की जिला वस्ती की डिप्टी डायरेक्टर सुमेरा हुसैन और जिला शर्की के डिप्टी डायरेक्टर मसूद भुट्टो टीमों के हमरा अगले ही दिन सोहराब गोट पर मौजूद थे। टीम गिरफ्त भी अपनी पूरी तैयारी के साथ इस मुजरे सहर शरबत के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार थी। दूसरी तरफ अवाम की जानिब से भी सोशल मीडिया पर अवाम आगाही के लिए मुतादित अफराद वीडियोस अपलोड कर रहे थे, जिसमें अथॉरिटीज से इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए भरपूर अपील की जा रही थी। नहीं, इसमें कोई दूध है, ये सिर्फ और सिर्फ जहरीला शरबत है, जो कि कराची के मुख्तलिफ मुकामात पर, कराची के मुख्तलिफ शहरों पर बहुत आसानी से बेचा जा रहा है। ये फ्लेवर मिल्क बन रहा है भाई नाजमाबाद में। ये तला दूध भाई, दूध खोला ऐसा ही है ना, दूध डल रहा है ना, क्यों नहीं बनाओ? ये दूध बन रहा है भाई, ये सोडा डला है, ये रट किया। सोहराब गोट के इलाके में टीम गिरफ्त अथॉरिटीज के हमरा मौजूद थी, और टीम गिरफ्त का खुफिया नुमाइंदा एक बार फिर रहमत नामी उस शख्स के पास इस मुजरे सेहत शरबत की तैयारी का फार्मूला हासिल करने के लिए पहुंचा। अब तक की कार्रवाई में आप नाज़रीन ने देखा कि किस तरह यह मुजरे सेहत और जहरीला शरबत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फैलाया जा रहा था। इस वक्त इस घिनौने काम के तदारुक के लिए टीम गिरफ्त और सिंध फूड अथॉरिटी की टीमें इंतजार कर रही थी कि मुनासिब वक्त पर कार्रवाई की जाए। तमाम अथॉरिटीज को लेकर हम पास मौजूद इस शरबत वाले को नाम नेहाद एक शरबत वाले के पास जाया जा रहे हैं, और ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो उसने अभी हमें बताने थे वो अभी बताने से मुकर गया। थोड़ी सी शायद उसको शक हो गया हो, क्योंकि ये तमाम लोग जो होते हैं इनके इर्द गिर्द जो ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो किसी भी अथॉरिटीज़ की आने की सूरत में इनको खबरदार कर देते हैं, तो मेरे ख्याल से इसी तरीके से कोई सिचुएशन हुई है। प्लान के मुताबिक इस जहरीले शरबत की तैयारी को खुफिया कैमरे में सबूत के तौर पर महफूज करके इसमें शामिल किए जाने वाले अज्जा के साथ रंगे हाथों रहमत सेठ को हिरासत में लिया जाना था, लेकिन ऐसा न हो सका। रहमत सेठ और इसके साथ शामिल शख्स बार बार मुख्तलिफ बातें कर रहे थे। बैठ जाओ, एक मौके पर टीम गिरफ्त और अथॉरिटीज को यह महसूस हुआ कि अब कार्रवाई करना शायद मुनासिब नहीं, लेकिन कुछ ही देर में गिरफ्त इन्फॉर्मर की तरफ से इशारा मिल गया और कार्रवाई का आगाज हो गया। अब जो है वो हमारे खुद के नुमाइंदे ने इत्तला दी है कि वो इंग्रेडिएंट्स के साथ जो है वो तमाम चीज़ें बना के दे रहे हैं, तो इस वक्त ये बिल्कुल सड़क पर ही मौजूद हैं, इनके पास जाते हैं और कार्रवाई करते हैं। नाजीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सोहराब गोट के इलाके में, अलासिफ स्क्वायर के बिल्कुल सामने ये तमाम चीज़ें जो है वो की जा रही थी। इन ठेलों के बीचों बीच एक बढ़ते हुए घिनौने कारोबार का मरकज कायम था, और फिर अचानक इन्होंने पकड़ो 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 बैठ जाओ, पुलिस को बुलाएं, पुलिस को। नाजीन, इस वक्त ये दो लोग हैं जो यहाँ पे
जो मुजरे से शरबत था वो बना रहे थे, और अभी आपके सामने जो है इन्होंने भागने की कोशिश की थी। मुख्तलिफ हवालों से इनके साथ जो है वो बातचीत की गई है, और ये मुजरे शरबत जो बना रहे थे इसके बारे में मालूमात हासिल की जा रही थी। फ्लेवर्स के डब्बे इनके पास मौजूद हैं, आई थिंक ये रजिस्टर्ड भी नहीं होंगे। ये कैसे बनाते हो आप? ये गाड़े जी, क्या है? गाड़ा जी। ये है क्या, बनाया किस चीज़ से है ये? दूध कैसे बना रहे? ये रेडर हम जूसर से मारते। आई डोंट नो ये क्या है, कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। ये सूखा दूध है। सूखा दूध कहाँ है आपके पास? आप इसमें चेक करो, आपको नहीं तुम लाओ ना, तुम कहाँ से डाल रहे हो? पास रखा होगा ना सूखा दूध? हम तो इस्तेमाल करते हैं, 2-3 किलो इसमें इस्तेमाल करते जी। पूरे इलाके को, पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को सप्लाई कर रहे हो, तुम बोल रहे हो तुम्हारे पास दूध नहीं मौजूद? पूरे इलाके में सप्लाई करते हो? नहीं सर जी, हमारी सारी बातें जो है हमारे पास कैमरे के ऊपर मौजूद हैं। सीधे सीधे बता दो क्या क्या करते हो? सर जी ये चीज़ें रेडर हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। सूखा दूध किधर है तुम्हारे? इधर दुकान से हम लेते हैं, सारे दुकान इधर। ठेले पर तुम ये सारा काम कर लेते हो, तुम्हारा गोदाम किधर है? गोदाम यही गोदाम है जी हमारा। नाजीन ये क्योंकि सही से कोई भी बात बताने के लिए तैयार नहीं है, इनको हिरासत में ले लिया गया है। ये इन्होंने एसेंस वगैरह डाल के ये लोग यूज़ कर रहे हैं, इसमें कोई ओरिजिनल चीज़ें नहीं है। ये देखें, ये दूध किसी भी सूरत में नहीं है, फूड ग्रेड कलर्स नहीं है, ये सारे वो यूज़ कर रहे हैं। रेसबेरी रेड जो ये आजकल आप देख रहे हैं, रेड एप्पल ग्रीन, मतलब ये नॉन फूड ग्रेड ये सारे कलर्स हैं। ये तो जो ग्रीन कलर ये यूज़ कर रहे हैं वो ये डाई कलर सामने आ चुका है इस वक्त। नाजरीन ये दूसरा जो रेड कलर इस्तेमाल किया जा रहा है, ये डाई कलर, ये भी सामने आ चुका है। ये तमाम सिचुएशन है, ये आप देख रहे हैं कि किस तेज़ी से जो है ये एक चीज़ है, एक मैनेस है, ये फैल रहा है। बहरहाल ये अच्छा कदम है सिंध फूड अथॉरिटी की तरफ से कि मुख्तलिफ जो ठेले हैं उनके ऊपर जाने के बजाय एक ऐसी जगह पर जहाँ पर ये मैन्युफैक्चर किया जा रहा था, इसका फार्मूला बाकायदा से जो है वो बनाया जा रहा था और यहाँ से जो है वो आगे सप्लाई किया जा रहा था, वो तमाम चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर सबसे पहले रेड की गई है। इसके बाद हम आगे भी जाएँगे, चलते इसे इन्वेस्टिगेट करते हैं। ये सबके नाम बताएगा एक्चुअली मैनुफैक्चर कहाँ करते हैं और इनकी जो है ना सप्लाई चेन, वो सब के बारे में बताएगा। ये अभी यहाँ ये जो है ना सिर्फ एक ही बंदा है, बाकी हमें सारी चीज़ें डिटरमाइन करनी है कि ये कहाँ प्रोड्यूस हो रही हैं और कैसे सप्लाई हो रही है। मतलब ना कोई एड्रेस लिखा हुआ है, ना ही कोई इस पर प्रॉपर चीज़ें लिखी हुई हैं, हलाल भी क्लेम कर रहा है। आपको नहीं पता ये किन कंडीशंस में बन रही होगी, ये हाइजीनिक होगी नहीं होगी। ये 2 महीने से कहाँ कहाँ सप्लाई करते हो? 3 ठेले हमारे जी, एक ठेला यही है, एक यही है। हमारी पूरी रिकॉर्डिंग मौजूद है, तकरीबन 10,000 रुपये इन्होंने इस फार्मूले के लिए थे। ये सारी कुछ डिटेल्स बता रहे थे कि कौन कौन सी चीज़ें जो है ये इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त मेरे ख्याल से जो यहाँ पे हमारी मूवमेंट थी इसकी वजह से थोड़ा सा इस शक में आ गए, और इन्होंने अभी फार्मूला बताया नहीं है। तमाम मुलजमान को हिरासत में लिया जा चुका था और तैयार किया हुआ शरबत और मुख्तलिफ अज्जा को तल्फ किया जा चुका था। मुलजिम काफी हटधर्म था और कोई भी मालूमात देने के लिए आमादा नजर नहीं आ रहा था। नहीं, इस वक्त ये साहब जो मुजरे से एक शरबत वो बना रहे थे तो वो अभी हमें लेकर जा रहे हैं अलासिफ के अंदर, यहाँ पे जहाँ से ये इंग्रेडिएंट्स परचेज करते थे। रेड ईयर कहाँ से लेते? अभी बंदा भी तुम्हारा सामने ले जाएगा, उसको छोड़ो, लेके आ रहा है जी, लेके आएगा। ये जो कलर मिक्स किया हुआ है, इस्तेमाल किया हरा कलर का डब्बा, वो कहाँ से आ गया? ये सारे डब्बे हम एक पूरा मार्केट है सर जी। जो थैली के अंदर रंग था लाल, इसे डाल दीजिए, डब्बी से नहीं होता सर जी। झूठ बोल रहे हो, ये डब्बी से ही मिलते हैं, थैली वाला रंग इस्तेमाल ही नहीं करते सर जी। रखा हुआ क्यों था? वो तो डब्बे से डालते फिर। मुजरे से आज शरबत जिसे बोला जाए वो उसको अब डिस्कार्ड किया जा रहा है। सिंध फूड अथॉरिटी की टीम्स हमारे साथ मौजूद हैं। टीम गिरफ्त और सिंध फूड अथॉरिटी की टीम की कार्रवाई की इत्तलात आसपास के ठेलों पर मौजूद उन शरबत फरोशों को पहुंच चुकी थी, और कई शरबत फरोश फरार हो चुके थे। कुछ को मौका मिल गया था कि वो अपने ठेलों समेत फरार हो जाएं, लेकिन क्योंकि मरकजी मुलजिमान जेर हिरासत थे इसलिए इन ठेले वालों के फरार हो जाने से कार्रवाई पर कोई मनफी असर नहीं पड़ना था। नाजरीन क्योंकि ये पूरे इलाके के अंदर एक इत्तला फैल चुकी है, और ये आप देखें
ये कवर करके और भाग चुके हैं, इनको इतना मौका नहीं मिला कि ये इसको अपने ठेले को यहाँ से रिमूव करते। ये आपको जो ट्रेसेस नज़र आ रहे हैं, दूध का एक कतरा इसके अंदर मौजूद नहीं है और ये तमाम चीज़ें इसी तरीके से हैं। क्लासिक, ये कुरंगी में इसका एड्रेस लिखा हुआ है और ये चेक किया है हमने, इनको 2 लाख रुपये जुर्माना भी किया बिकॉज ये अनहाइजेनिक कंडीशन में ये तैयार की जा रही थी। जो कार्रवाई के दौरान मैंने जो थैलियों को हाथ लगाया था वो रंग मेरे हाथ पर लग गया है और ये रंग ऐसा है कि मैं आप इसको धो के भी दिखाऊँ अगर तो ये जब तक साबुन इस्तेमाल ना किया जाए ये रंग हटता नहीं है। ये पीला रंग है, ये आप देख रहे हैं, ये कलर्स हैं, हार्ट डिजीज हो सकती हैं इससे, ये जो आर्टिफिशियल कलर इस्तेमाल हो रहा है। कलर तो बहुत बुरा है सर, ये बहुत खुशी हुई है अगर आप इस चीज़ पे एक्शन ले रहे हैं, हमारे लिए जहर है तो आपको करना चाहिए। नाज़रीन, ये आम तौर पे जो इलाका मकीन है उनकी तरफ से इस कार्रवाई को सराहा जा रहा है और लोग बाकायदा से बता रहे हैं कि आगे भी इतने सारे ठेले ये मौजूद हैं। कितने का ग्लास दिया आप लोगों को? 20 का। अगर एक पाव दूध 25 रुपए का मिल रहा है तो ये आपको 20 रुपए के ग्लास कैसे दे सकता है? हाँ, वो तो इसमें बर्फ़ भी डाल रहे हैं, इतनी मेहनत भी डाल रहे हैं, ये तमाम अखराजात हम तो बस पीते हैं यार, वो तो है 25 रुपए का पाव तो है लेकिन ये तो दूध तो नहीं है ना फिर किसी भी सूरत में? हाँ, वो तो है, दूध नहीं है। ये चीज़ इनके लिए आगे चल के कितनी मुजरे से आयत होगी इसका अंदाज़ा इनको बिल्कुल भी नहीं है। ये ख़ास किस्म के पैटर्न से जो है ये टंकी बनाई जा रही है, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को जो है वो पसंद कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि सस्ता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि इस सस्ते के पीछे ये कितना महंगा सौदा कर रहे हैं। शफीक मोड़ के नज़दीक एक शरबत फरोश का रुख किया गया तो इस पर मौजूद बच्चे ने सारी हकीकत बयान कर दी। बेटा किस चीज़ से बना रहे हो? करीम बनाते हैं, फ्रूट चाट वाली। हाँ, फ्रूट चाट वाली करीम। उसमें क्या क्या डाला हुआ है? फ्रूट चाट वाली करीम डाली हुई है और फ्रूट चाट वाली करीम डाली। ये तो तुमने रखा हुआ, इस्तेमाल कहाँ किए? ये डालते भी नहीं डालते? नहीं डालते। क्या डालते हो? हम करीम डालते हैं और बर्फ़ डालते हैं, चकोरंगा डालते हैं। है क्या बनाया क्या है ये? ये पकोल होता है बेटा, पीछे से हमें लगा के दे रहे हैं, हम तो बेच रहे हैं बस। आपको बनाना नहीं आता? नहीं नहीं। सही है। इसमें आपको पता है दूध शामिल नहीं है बिल्कुल भी? दूध नहीं है, सिर्फ क्रीम डलती है बस। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कार्रवाई और क्रैकडाउन की इत्तला दूर दूर तक फैल गई हो। ऐसे में जिस शरबत फरोश को जहां मौका मिल रहा था वो फरार होने की कोशिश कर रहा था। इसका पूरा ड्रम जो है वो डिस्कार्ड किया जाएगा। ऐसे में अवाम में मौजूद कुछ जोशीले नौजवान भी इस कार्रवाई का हिस्सा बन गए। शायद अवाम इस माफिया से खुद भी छुटकारा पाने का कोई मौका तलाश कर रहे थे। हेल्प किया जाना जरूरी है इसलिए कि अगर इनके पास ये तमाम इक्विपमेंट और चीज़ें मौजूद रहेंगी तो कल को ये दोबारा से जो है इसी तरीके से सड़कों में मौजूद रहेंगे। इस चीज़ को अब आवाम को खुद समझना होगा कि वो अपनी जानों से खुद खेल रहे हैं। यहाँ से आगे रुख किया गया नागन चौरंगी पर मौजूद इन नाम निहाद दूध के जाली शरबत फरोशों की तरफ, लेकिन जैसे सोराब गोट में कार्रवाई की इत्तला उन तक पहले ही पहुँच चुकी थी। एक रोज कबल तक सैकड़ों की तादाद में मौजूद इन ठेलों का अब वहाँ नामो निशान मौजूद नहीं था। नागन चौरंगी से निकल के काफी आगे तक आ गए लेकिन सिर्फ इस वक्त एक ठेला हमें नजर आया है। इसका मतलब है कि इनका नेटवर्क जो है वो बहुत तेजी से काम कर रहा है। ये शख्स जो है यहाँ पे मौजूद है, इसने कुछ डब्बे वब्बे ऐसे रखे हुए हैं। आप इससे बना रहे हैं? डाल रहे हैं, पकोले डाल रहे हैं। अच्छा, ये दूध कितना रुपए किलो लीटर है? ये बच्चा लाता कितने का लाता बेटा? 140 रुपए का एक डब्बा है और 20 रुपए का, 30 रुपए का। अगर आप ग्लास डाल रहे हैं तो कैसे कर सकते? अवाम की तरफ से सिंध फूड अथॉरिटी और ग्रिफ्ट टीम की इस कार्रवाई को सराहा जा रहा था और बार बार इस जहरीले शरबत की फरोख्त को रोकने के लिए अवाम की तरफ से अपीलें की जा रही थी। ये बहुत खराब केमिकल है, ठीक है ना, इससे बहुत ज्यादा बीमारी है। 20 रुपए में आप सोचेंगे कौन ये और इसमें दूध मिलाकर देगा? आप इसको, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको बंद करवाएं। जितने भी हैं इस पूरे कराची के अंदर इन सबको बंद करवाया जाए। ये केमिकल वगैरह से बनाया जा रहा है, ये बहुत खतरनाक है, इससे कैंसर भी हो रहा है। तो बराए मेहरबानी जितने भी यहाँ पे लाइन से पूरे आगे बैठे हुए ये लोग और ये 20-20 रुपए गिलास में बेच रहे हैं और खुदा ना खास्ता कोई बड़ा मेजर प्रॉब्लम हो जाए इससे पहले, प्लीज इसको मसले को हल करवाएं और इसको बंद करवा दें प्लीज। ऐसे में कुछ शरबत फरोश अपनी हठधर्मी पर कायम थे। 140 का ये डाल ले, सारे थोड़े डलते हैं, एक टंकी के अंदर 2 या 3 डलते हैं खाली।
दो या तीन डलते, दो या तीन डलते बाकी नाजिन अब आपने सुन लिया कि ये खुद इस बात से कबूल कर रहे हैं कि दो से तीन जो है वो चीजें डाल रहे हैं। और क्या क्या? क्रीम डलती है, पानी डलता है, ये दूध डलता है, चीनी डलती है, मैं खुद पीता हूँ, मेरे बच्चे पीते हैं। से आप लोग खेल रहे हैं, जितनी चीजें आप डाल रहे हैं वो क्वालिटी की नहीं है। यहाँ कार्रवाई मुकम्मल करके रुख किया गया न्यू कराची दो मिनट चौरंगी का। चमड़ा रंगने का रंग इस जहरीले शरबत का अहम जुज है। स्क्रीन के इस्तेमाल के बगैर इसकी तैयारी मुमकिन नहीं। अब ये आवाम खुद फैसला करे कि क्या वो गुटके और मावे की तरह इस मुसीबत को गले लगा कर रखेगी या नहीं। नाजिन इस वक्त हम मौजूद है दो मिनट की चौरंगी पे, और क्योंकि आपको पता है जैसे की कार्रवाई होती जा रही है तो इतला आगे तक पहुँच रही है। लोग अपने अपने जो ठेले है वो छोड़ के जा रहे हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर है ये, यहाँ पे बरामद हो गई है मुख्तलिफ ये ऐसे जो अनरजिस्टर्ड ब्रांड्स हैं फूड कलर के हवाले से, वो भी इस वक्त जो है यहाँ पे मौजूद हैं। लोगों को भी सोचना चाहिए कि 10 रुपए में, 20 रुपए में, 30 रुपए में दूध और आप इंडिविजुअली देखें कीमत, तो वो मेरे ख्याल में आपको 1.5 लीटर जो है वो 100 से ज़्यादा की मिलती है, और छोटी बॉटल भी आपको महंगी मिलती है। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि 100 रुपये, 10 रुपये में, 20 रुपये में जो है वो आपको एक इस तरह की चीज़ में, विच इज़ मतलब हाइजीनिक तो है ही नहीं, क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। लोग इसको क्यों इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं? देखें आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनको देखें कि कौन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब मेरा नहीं ख्याल जो थोड़ा सा भी जिसको जो पढ़ा लिखा होगा या जिसको थोड़ी बहुत आइडिया होगा, आई डोंट थिंक वो इसको यूज़ कर रहा होगा। ज़्यादातर मजदूर तबका या जो कहीं से आ रहे होंगे, या एक धूप आजकल ज़्यादा हो रही है दोपहर में, तो ये उसी टाइमिंग्स में इनके 11 से 4 बजे के दरमियान में ये ज़्यादा फरोख्त हो रहा होता है। इस सारे मामले में जिन मुलजिमान को हिरासत में लिया गया, सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से उन पर क्या कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, इस बारे में अथॉरिटी से राबता किया गया तो उन्होंने बताया। इसमें तकरीबन अगर हम जो विजिबली देखें उसमें सारे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसको हम कहें कि कोई बहुत अच्छी और क्वालिटी वाली चीज़ें वो यूज़ कर रहे थे। सब जो थे वो सब स्टैंडर्ड चीज़ें थीं, जैसे आप डाइज या कलर्स जो वो यूज़ कर रहे थे उसकी भी कोई प्रॉपर ट्रेसिबिलिटी नहीं थी। जो क्रीम वगैरह वो यूज़ कर रहे थे, स्क्रीन यूज़ कर रहे थे, किसी के ऊपर प्रॉपर एड्रेस नहीं था, कोई ट्रेसिबिलिटी नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद जो चीज़ें हमें वहाँ से मिली हैं उसकी हमने प्रॉपर लैब टेस्टिंग के लिए भिजवाया। ऑलमोस्ट 1 से 2 हफ्ते लगते हैं क्योंकि ज़्यादा चीज़ें हैं, डाइज भी हैं, क्रीम वगैरह भी है, और उसकी ट्रेसिबिलिटी में हम पीछे वहाँ पर भी जा रहे हैं जहाँ से ये जो क्रीम के ऊपर हमें एड्रेसेस वगैरह मिले हैं उन जगहों की भी इंस्पेक्शन हो रही है कि वहाँ पर आया वो बेहतर तरीके से बन भी रही हैं या नहीं, और उनकी ओवरऑल हाइजीन कंडीशन कैसी है। अगर वो मिलावट शुदा और ये सब तमाम चीज़ें बेच रहा है तो हम उसके ख़िलाफ़ FIR लॉन्च करवा सकते हैं, और सिंध फूड अथॉरिटी एक्ट के अगेंस्ट भी उसके ऊपर फ़ाइन जो है वो हम इम्पोज़ कर सकते हैं। लेकिन टिल द टाइम जो है वो रिपोर्ट्स नहीं आती हैं तो वो वक्त मतलब हमें वक्त से पहले की बात होगी कि हम उसके ऊपर कोई भी पेनल्टी जो है वो इम्पोज़ करें। लेकिन जहाँ जहाँ हमें ये कार्ड्स मिल रहे हैं, जहाँ जहाँ एक्शन हो रहा है, क्योंकि ऑन द स्पॉट जो हमें चीज़ें मिल रही हैं वो हमारी SOPs के ऊपर फॉल नहीं करती हैं। और अभी राइट नाउ ये है हमारा जो रूटीन इंस्पेक्शंस जो हमारे चल रहे हैं, हमें रास्ते में कहीं पर भी नज़र आ रहे हैं इस तरह के तमाम मशरूबात जो कि सिंथेटिक हैं, जो प्रॉपर नहीं हैं, जिसमें हमें मुजरे सेहत अशिया मिल रही हैं, तो उनको हम ऑन द स्पॉट डिस्कार्ड कर रहे हैं और डिस्करेज कर रहे हैं। और लोगों को भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो इस तरह के मशरूबात को पीने से गुरेज करें, और इन तमाम अशिया जो आपको बहुत सस्ती मिल रही हैं और उनकी कोई प्रॉपर आपको पता भी नहीं चल रहा है कि उसके अंदर क्या चीज़ें डली हुई हैं, तो उसको इस्तेमाल नहीं करें। और मेरी रिक्वेस्ट होगी सबसे कि इस तरह के मशरूबात को जो है वो इस्तेमाल नहीं करें। एक तरफ अवाम की तरफ से इस जहरीले शरबत के खिलाफ कार्रवाई की अपीलें मौजूद थीं, लेकिन दूसरी तरफ अवाम अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं थे। हाँ मैं लगाया, ये नहीं लगाना, ये खराब है, मैं क्या करूँ, मेरा मशीन पे धंधा नहीं हो रहा। ये पीला रंग है, ये आप देख रहे हैं, ये कलर्स हैं, हार्ट डिजीज हो सकती है इससे, ये जो आर्टिफिशियल कलर इस्तेमाल हो रहा है। कलर तो बहुत बुरा है सर, ये बहुत खुशी हुई है अगर आप इस चीज़ पे एक्शन ले रहे हैं, हमारे लिए जहर है, तो आपको करना चाहिए। नाज़रीन ये जो लोग देख रहे हैं ये हरा रंग मेरे हाथ में लगा हुआ है, जो भी लोग ये समझ रहे हैं कि ये आइसक्रीम सोडा फ्लेवर के साथ जो है वो दूध मिल रहा है, तो ये हरा रंग मेरे हाथ में मौजूद है, आप सब देख सकते हैं कि ये, और इसके बाद स्क्रीन जो है वो इसमें इस्तेमाल की जा रही है, तो आप ये सारे लोग ये देख सकते हैं कि इसके अंदर आइसक्रीम सोडा का कोई इस्तेमाल नहीं है, दूध का कोई इस्तेमाल नहीं है, स्क्रीन इस्तेमाल हो रही है, तो ये क्या आप लोग पी रहे हैं? आज इस शहर में बहुत से मुखय्यर हजरात मौजूद हैं जो न सिर्फ मुहर्रमुल हराम में बल्कि सारा साल
जब भी इस शहर के वासियों को मौसमी सख्ती का सामना होता है, सबीलें लगाए मुसाफिरों को पानी देने के लिए तैयार रहते हैं, जिसके लिए एक कसीर रकम खर्च की जाती है और आवाम को खुशनूदी खुदा के लिए फी सबीलिल्लाह साफ पानी फराहम किया जाता है, जबकि ये जहरीला शरबत आवाम पैसों के इवज खरीदते हैं। खुदा तरसी के जज्बे से सरशार हुसैनियत के ये पैरोकार आवाम को साफ पानी फी सबीलिल्लाह देते हैं, जबकि यजीदी सिफत मुनाफाखोर आवाम को मौत भी बांट रहे हैं और उनकी जेबों से रकम भी निकलवा रहे हैं। जब तक अवामी मसाइल हल नहीं होते, टीम गिरफ्त समाज दुश्मन अनासिर को गिरफ्त में लेती रहेगी।